जय शनिदेव। परमात्मा द्वारा निर्मित ये जो शरीर है अंत तक उससे जुड़ा ही रहता है। हड्डी मांस खून से बना ये जो पिंड है तभी काम करता है जब ईश्वर की दिव्य चेतना उसे प्राप्त होती है। इसी कारण प्रकृति हमारे शरीर द्वारा हमें विभिन्न संकेत प्रदान करती है। जो अंगों का फड़कना है ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है। भारत में ये विद्या प्राचीन काल से ही प्रचलित है। चेहरा, मुख्य मंडल, माथे की लकीरें, हाथ की रेखाएं तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन किया है। वैसे तो सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा विज्ञान सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन आज YouTube पर वीडियो देख करके या किताबें पढ़ के कोई भी व्यक्ति हस्तरेखा विशेषज्ञ बन जाता है, आपका सामुद्रिक शास्त्री बन जाता है या ज्योतिषी बन जाता है। लेकिन इन्हें सभी विद्या को प्राप्त करने से पूर्व व्यक्ति को तपस्या द्वारा अपने चित्त की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए, ताकि प्रकृति उसे जो संकेत दे रही है, ईश्वरीय शक्ति उसे जो संकेत दे रही है, वो अपने यजमान को बिना किसी लोभ लालच के उसे बता सके और जनता के बीच में भी उसे बांट सके। मैं आपकी गुरु मां रुक्मिणी ना केवल आज आपको अंगों के फड़कने का रहस्य बताऊंगी, इसके साथ साथ यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, जन्म की तारीख नहीं जानते, जन्म का समय नहीं जानते, तो सामुद्रिक शास्त्र द्वारा कैसे अपनी सटीक जन्म कुंडली प्राप्त कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। ग्रहों की बात गुरु मां के साथ। उर्वचि बाहवो मायम स्फुरन्ते अंग पुनः पुनः विपथो च शापि हृदय अराध्यास्यन्ति विहेप्रयम्। मैं आपका ध्यान महाभारत की एक कथा की ओर ले जाना चाहती हूँ। वर्षों तक अपना अधिकार प्राप्त करने के बाद राज्य का सुख भोगते हुए राजा युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण, जो कि उस समय द्वारिका में थे, उनकी याद सताने लगी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए अर्जुन को भेजा। पर अर्जुन 7 महीने तक लौट के नहीं आए। तब प्रकृति द्वारा युधिष्ठिर को विभिन्न प्रकार के संकेत प्राप्त हुए। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भीम मेरे भाई, मेरी बाई भुजा, बाई जंघा और बाई आंख बार बार फड़क रही है, अवश्य ही कुछ अनिष्ट होने वाला है। और इन संकेतों को प्राप्त करने के 24 घंटे बाद ही अर्जुन के लौट के आने पर उन्हें खबर मिली कि उनके प्यारे भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को उनको सदा सदा के लिए छोड़कर अपने परम धाम को चले गए। अगर आपकी आंख बार बार फड़कती है, 3 दिन से ज्यादा फड़कती ही रहती है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों की ही आंखें जब फड़कती हैं, अलग अलग विभिन्न संकेत देती हैं। दोनों ही संकेत मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी व्यक्ति की दाई आंख यानी कि राइट आई फड़कती है तो क्या होता है? अगर किसी आदमी की, पुरुष की पूरी आंख फड़कती है तो इसे शुभ माना जाता है। अगर किसी पुरुष की यानी आदमी की दाही आंख की फलक यानी कि जो आईलिड होती है वो फड़कती है तो ऊपर की तरफ से, तो इसे शुभ संकेत मानते हैं। इसका अर्थ समझा जाता है कि जल्दी ही आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। पर यदि किसी पुरुष की नीचे की आंख फड़के यानी पलक फड़के नीचे की, तो इसे अशुभ मानते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आपके शत्रु यानी कि दुश्मन बढ़ने वाले हैं। अगर दाई आंख किसी पुरुष की फड़क रही है और केवल कोना फड़क रहा है तो इसे शुभ संकेत मानते हैं। आपका धन लाभ होने वाला है या फिर आपकी प्रमोशन यानी पदोन्नति होने वाली है। और यही यदि किसी पुरुष की दाई आंख के दोनों कोने फड़कने लगे तो उसे अशुभ माना जाता है। स्त्रियों की आंख फड़कने का क्या रहस्य होता है उसको जानने से पहले एक बात आपको बताना चाहूंगी। आप लाखों लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सिर्फ YouTube पर ही 21 लाख परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सभी लोगों को उपाय देना, बात करना उनके लिए संभव नहीं है। तो मैंने आपके लिए एक ऐसा विशेष रॉकेट तैयार किया है जो आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी राशि हो, कोई भी आपकी ग्रह चाल हो, हर चीज में आपको लाभ करेगा और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपकी तरफ लेकर के आएगा। वो मैंने लॉकेट आपके लिए जो तैयार किया है, चलिए जानते हैं कैसे उसे आप प्राप्त कर सकते हैं।
जय शनिदेव। आप सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए अपने 10 वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान के बाद मैं गुरु महात्मणि लाई हूँ आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट। नौ रत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारण करने से आपको समस्त नौकरे शुभ फल प्रदान करने लगते हैं और नीचे लगी ये जो दिव्य कर्क कौड़ी है जब ये आपके शरीर को स्पर्श करती है तो ऋग्वेद की श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं और लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ये आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर करती है, कर्जों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसी सिद्ध पुरुष द्वारा 3 दिन तक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत नहीं होते हैं। इसी कारण इस कलयुग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से हम 133 देशों के लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल गुरु रजनीश शिशि जी जिसपे आज 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसे चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त किए हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट को प्राप्त करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में अभी कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। जय शनि। अगर किसी स्त्री की पूरी दाहिनी आंख फड़क रही है, राइट आई फड़क रही है तो इसे अशुभ मानते हैं। अगर किसी स्त्री की केवल दाई आंख की आईलिड यानी ऊपर की जो फलक है वो फड़क रही है तो इसे भी हम अशुभ मानते हैं। इसका संकेत हमें ये मिलता है कि बहुत समय से जिस कार्य पे आपकी दृष्टि थी, जो चाह रहे थे आप पूरा हो जाए, वो अपूर्ण रह जाएगा, आपके कार्य में रुकावट आएगी। लेकिन अगर किसी स्त्री की दाई आंख के नीचे की फलक फड़क रही है तो इसे शुभ मानते हैं। इसका मतलब यह है कि शायद आपको कोई भूला बिसरा हुआ कोई पुराना व्यक्ति मिलेगा। हो सकता है किसी से आपके बहुत समय से अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे, उनसे संबंधों में सुधार होगा। यदि किसी स्त्री की दाई आंख का कोना फड़के तो इसे भी अशुभ मानते हैं। धन की हानि होती है, पैसों में तंगी आती है। और अगर किसी स्त्री की दाई आंख के दोनों कोने फड़कने लगे तो इसे आप शुभ मान सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ अच्छी घटना घटने वाली है। साथ ही आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपकी आंख एक हफ्ते से अधिक फड़कती रहती है तो आपको अपनी आंखों का चेकअप जरूर कराना चाहिए। और अगर सर दर्द भी आपको उससे साथ होता है तो किसी डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। चलिए अब आपको वो बताती हूँ जिसके लिए आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है यानी जन्म का तारीख आपको सही नहीं मालूम या आपको टाइम अपना सही नहीं पता है जन्म का, तो कैसे आप सामुद्रिक शास्त्र द्वारा अपनी सही जन्म कुंडली प्राप्त कर सकते हैं? एक तरीका है हस्तरेखा विज्ञान। लेकिन हाथ दिखाने वाले लोगों को जान के ये हैरानगी होगी कि आपके कर्मों द्वारा और आपकी मन की इच्छाओं के अनुसार हाथों की जो रेखाएं हैं वो बदलती रहती हैं और साथ ही हथेली का रंग भी परिवर्तित होता रहता है। ज्योतिषियों की माने तो हमारे हाथों की लकीरें शुक्ल पक्ष में देखी जा सकती हैं। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है उसी तरह हाथों की रेखाएं भी बढ़ती हैं और जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा छोटा होने लगता है उसी तरह हाथों की लकीरें भी छोटी होने लगती है। इसलिए लॉन्ग टर्म में अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं और उसे बदलना चाहते हैं तो हस्तरेखा का विज्ञान जो है वो पूर्णतः हमें इससे अवगत नहीं करा पाता है। मैं जानती हूँ आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपना करेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। पहले के जमाने में माता पिता उस चीज पे इतना ध्यान नहीं देते थे या पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने ठीक से आपका जन्म का तिथि नोट नहीं किया या आपका समय नोट नहीं किया या बचपन में या इधर से उधर होने में आपकी जन्म कुंडली कहीं खो गई है या आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है, हमारे पास भी बहुत सी समस्याएं ऐसी आती है। तो इसके निवारण के लिए बेस्ट चीज है कि अपना अपना फेस रीडिंग कराए यानी चेहरा पढ़ने की विद्या। ये भी सामुद्रिक शास्त्र का ही एक अंग है लेकिन इस पे बहुत ज्यादा शोध रिसर्च नहीं हुआ है। चेहरा पढ़ने की ये जो विद्या है ये वर्षों के अनुभव और गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। और मुझे बताते हुए ये बहुत गर्व है कि हमारे गुरु जी गुरु रजनीश शिशि जी द्वारा मुझे इस विद्या का सूत्रपात किया गया है और मैं
लोगों के बारे में, उनका चेहरा पढ़ के उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती हूँ जिसे जान कर के वो हैरान रह जाते हैं। जब उनके ग्रहों की विवेचना करती हूँ, उनके भविष्य के बारे में बताती हूँ, उनके भूतकाल के बारे में बताती हूँ, तो वो बिल्कुल अचंभित रह जाते हैं। चलिए एक भक्त से मिलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप भी फेस रीडिंग की, चेहरा पढ़ने की इस विद्या से अपनी जन्म कुंडली को प्राप्त कर सकते हैं। जय शनि देव। मैं रतिलाल पटेल, बिजनेस में, मुझे धंधे में पहले बहुत नुकसान हुआ, फिर मेरे दोस्त ने बताया कि गुरु माता या गुरु जी से आप एक बार बात करो। फिर मैंने गुरु जी से बात की। गुरु जी से बात करने के बाद गुरु जी ने एक उपाय बताया कि मैं अभिमंत्रित की हुई एक अंगूठी आपको भिजवाऊँगा। अंगूठी भिजवाने के बाद वो अंगूठी मैंने धारण की। धारण करने के बाद 15 या 20 दिन में सब कुछ धंधा पहले के सर का अच्छा हो गया। सब शनिदेव की कृपा है, आप भी इधर उधर भटकने का छोड़ो, क्योंकि गुरु जी और गुरु माता का उपाय बहुत सीधा और सरल है। और मैंने इधर उधर बहुत पैसा खर्चा किया, मगर किधर से भी कोई उपाय का कोई, बहुत सारे लोग बोलते थे ये आपका गुरु ग्रह नंबर कमजोर है, ये है वो है, आप ये करो वो, भगवान की पूजा करो, ये करो वो करो, ये दान करो, सब कुछ करके बैठा हूँ। आखिरी थक गया था, आखिरी ठिकाना मेरा बस ये शनिदेव की जय है। जय गुरुदेव, जय गुरु माता, जय शनिदेव। मैं जानती हूँ आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उनकी जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या समय नहीं मालूम है। ऐसे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपका चेहरा पढ़ के आपको सही ग्रहों के बारे में, आपके जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको स्वयं अपने बारे में भी नहीं पता होगा, और ऐसा सही मार्गदर्शन करेंगे जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ग्रहों की जो समस्या आ रही है उसको दूर कर सके। चेहरा दिखा के अपनी जन्म कुंडली को प्राप्त करने के लिए जो नंबर्स हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, हमारे शनिपीठ मंदिर के नंबर्स हैं, हमारे गुरुमा फाउंडेशन के नंबर्स हैं, उस पर आप संपर्क करिए। हमारी टीम आपका एक समय, एक अपॉइंटमेंट हमारे साथ रखेगी। वीडियो कॉल पर मैं आपका चेहरा देखूंगी और आपको मार्गदर्शन दूंगी कि क्या आपको अपने जीवन में करना है, और सही गाइडेंस मिलने पर हमेशा व्यक्ति तरक्की करते हुए देखा गया है। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, तुरंत फोन उठाइए और अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि हम आपके चेहरे अनुसार आपकी कुंडली को देख सकें। साथ ही एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे YouTube पर बहुत सारे ऐसे स्पेशल वीडियोस हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं, आप अपनी राशि अनुसार इन सभी वीडियोस को देखिए। इसमें छोटे छोटे ऐसे उपाय टोटके दिए गए हैं जिसे अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं, जैसे किस पेड़ को आपको पानी देना चाहिए हफ्ते में एक बार, किस चीज को आपने नहाने के पानी में डालना है जिससे कि आप अपने भाग्य को अच्छा कर सकें, आपका लकी कलर क्या होना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आपका लकी नंबर क्या है, कैसे मोबाइल नंबर लेना चाहिए, वो बहुत से वीडियो हमने आपकी राशि अनुसार बनाए हैं। तो उन सबको भी एक एक करके देखिए, उसे अपने जीवन में अपनाइए ताकि आपको लाभ मिल सके। आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। जय शनिदेव। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।